यस yes, बेटा मुझे पहले ये बताइए कल आपने क्या क्या टॉपिक किए थे। मैं कल कल आप आए नहीं थे। वेरी गुड। देखो मैंने कितने बच्चों में से एक स्टूडेंट ऐसा ढूंढा जो कल आया नहीं था, है ना। नहीं चलो गो बैक टू योर सीट। फिर काम पता होना चाहिए ना, कल नहीं भी आए थे तो आपने किसी से पूछा नहीं कि कल क्लास में क्या करवाया गया, क्या क्या टॉपिक हुए। आपको नीड नहीं लगी पूछने की। चलिए, श्रुति फ्रॉम 9th B, श्रुति फ्रॉम 9th B, हाँ जी बेटा। यस मैम। हाँ जी, मेरे को एक तो टॉपिक्स बताइए बेटा, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। मैम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कोई दो पोस्टुलेट्स आप मुझे बताइए। एटम इज अ टाइनी पार्टिकल एंड इट इज इनडिविजिबल। इंडिविजिबल। अच्छा, गो बैक टू योर सीट। वेरी गुड श्रुति। 9th ही लक्षित, 9th ही लक्षित, एंड आफ्टर दैट 9th F जसमीत। गेट रेडी। 9th F लक्षित, चलिए। मैडम गैस अच्छा, आ गए हो। हाँ जी, बताइए जरा मुझे, दो पोस्टुलेट्स मिल चुके हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, बाकी के दो आप बताइए जरा मुझे, कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे। हाँ आपकी क्लास में इतना अंधेरा क्यों है? 9th E 9th D, काफी डार्कनेस है आपकी क्लासेस में। मैम, लाइट्स बंद की हुई हैं। अच्छा नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आपको स्क्रीन अगर ठीक दिख रही है तो ऑफ कर लीजिए लाइट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो तो हो गया बेटा, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दे आर इनडिविजिबल, दो हो चुके हैं। और कोई दो पॉइंट्स? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास। ये किसने बोला? मुझे पीछे से किसकी विस्परिंग आ रही थी? आज आवाज बहुत क्लियर आ रही है। अच्छा चलो एक और बोलो। अब याद रखना, सुन लिया कोई बात नहीं है, बट इसको रिटेन करके रखना, ठीक है। यहां वहां से सुन के भी बोल रहे हो तो अच्छी बात है, एटलीस्ट बोला तो सही है ना, पर इसको अब रिटेन रखना कि कौन सा पॉइंट मैंने बोला था। राइट। एटम कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड। अच्छा वेरी गुड। अब मुझे इसका मतलब बताओ जरा, कोई मैं एटम क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते। एग्जांपल दो। CO2 से पता चला, लो मैंने CO2 लिख दिया, ये लो करोगे इसको। चलिए ऑक्सीजन। जी, चलो कोशिश की, अच्छी बात है। गो बैक टू योर सीट। ठीक है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज द होल पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वही यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ मैं लिख दूँ सोडियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्शन गलत है, क्योंकि ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहां से मैंने कार्बन डिस्ट्रॉय कर दिया, सोडियम क्रिएट कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। स्टिल 1 पॉइंट इज लेफ्ट, हु विल टेल मी? यस, जस्ट रेज योर हैंड्स। यस, 9th है खुशी। चलिए, नहीं जसमीत बोला था ना मैंने 9th F से। जसमीत गेट रेडी, आइए जरा जसमीत। मैम यस। चलिए बताइए मुझे, 1 पॉइंट रह गया बेटा, एक्सप्लेन करो जरा उसको। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, शाबाश, गो बैक टू योर सीट। चलिए, सबको इनडिविजिबल का मतलब पता है?
हमने एक पॉइंट पढ़ा, एटम्स आर इनडिविजिबल. व्हाट डज इट मीन? एटम्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर. फर्दर, हम एटम्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन. ठीक है, लेटर ऑन न्यू साइंटिस्ट आए, नई डिस्कवरीज हुई, नई रिसर्च हुई, तो पता लगा एटम्स इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट स्टिल हैज मेनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उसके अंदर बहुत और भी कई तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो बाद में पता चला था. ठीक है, डाल्टन्स के टाइम तक यही माना जा रहा था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, राइट? चलिए, ये कल के टॉपिक्स है जो हमने किए थे. बेटा आपके पास एक केस स्टडी है, 28, केस स्टडी नंबर 28. ठीक है, अपने नोट्स वर्कशीट्स निकालिए, केस स्टडी रीड कीजिए जरा जल्दी से सभी अपना अपना. चलिए, पढ़ा सबने? क्वेश्चन कह रहे हैं, टेक 5% सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ फ्लास्क एंड 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब, ईच इन 10 ml ऑफ वाटर. ठीक है, दोनों को क्या किया गया, 10 ml ऑफ वाटर के अंदर मिक्स किया गया है, डाला गया है, एंड अरेंज टू एज शोन इन फिगर डायग्राम. हैंग द इग्निशन ट्यूब. देखो, जो टेस्ट ट्यूब है उसको किसके अंदर रखा गया, फ्लास्क के अंदर रखा गया, और दोनों के अंदर क्या कितना सोल्यूशन लिया गया, 5% सोल्यूशन ऑफ 10 ml ऑफ वाटर. ठीक है, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्सड, पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली, लेट द वेट बी 1 ग्राम. हमें नहीं पता वेट कितना था, हमने उसको कितना मान लिया, 1 ग्राम मान लिया. वैसे लिखा हुआ है 100 ग्राम, देख लेते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, अभी आपने सिर्फ क्या किया, एक फ्लास्क के अंदर टेस्ट ट्यूब को रखा और ऊपर अच्छे से कॉर्क से उसको बंद कर दिया, और पूरे सिस्टम का आपने वेट किया, दोनों को आपने वेट कर लिया. ठीक है, लेट दैट वेट इज 1 ग्राम और लेट दैट वेट इज 100 ग्राम. हमें नहीं पता, हम 100 ग्राम मान लेते हैं, हमारी मशीन पे 100 ग्राम दिखा रहे हैं. अब कह रहे हैं कि उसको मिक्स कर दो दोनों चीजों को. नाउ टिल्ट एंड स्विर्ल द फ्लास्क, उल्टा करो और उसको अच्छे से मिक्स कर दो. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी तो क्या होगा, इज देयर एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? बताइए, जब भी दो केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं ना बेटा, देयर इज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस. अगर रिएक्शन कोई अक्कर हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी फॉलो करेगा. ठीक है, ये कह रहे हैं आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट, राइट? ये साइज दिख रहा है बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ, बताइए जरा मुझे, इज इट विजिबल विच आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड? मैम यस. चलिए, कॉपर सल्फेट, इसको एक्स ले लिया इन्होंने, एंड और क्या लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट, अभी मैं इनके फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं क्योंकि अभी हमने किए नहीं है, लेटर ऑन आई विल राइट द फॉर्मूलाज ऑल्सो, लेट दिस इज वाई. अब इन दोनों में देखो, दोनों ही केमिकल सब्सटेंस है, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन विच विल टेक प्लेस. अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क इन केस 2. केस टू मतलब जब उनको मिक्स कर दिया गया तो क्या हुआ, आप आंसर लिखिए. केमिकल रिएक्शन विल अकर, केमिकल रिएक्शन विल अकर, ठीक है, एंड क्या क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट.
केमिकल रिएक्शन विल अकर, और ऊपर वाली ये इक्वेशन लिख लीजिएगा आप साथ में। लिख लिया बेटा। यस बेटा डन। एमईएस चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द फ्लास्क। यस, हमने कॉर्क क्यों लगाया उसके ऊपर, कौन बताएगा मुझे? मैम, ताकि मिक्सिंग के टाइम जो केमिकल्स है वो बाहर ना गिरे। केमिकल्स मतलब कॉर्क लगाने का पर्पस बेसिकली क्या होता है, कोई गैस है वो रिलीज ना हो जाए, क्योंकि अगर गैस भी रिलीज होती है ना, हमें पता है एयर आल्सो हैज वेट, एनी गैस हैज वेट, कोई गैस प्रोड्यूस हुई, कोई प्रेसिपिटेट्स बने, कोई भी चीज बनी, वो हमारे फ्लास्क से बाहर ना निकले। ठीक है, आप इसमें लिख दो बिकॉज, या फिर क्या लिखोगे, सो दैट नो कंटेंट, नो एनओ वाला नो, नो कंटेंट, हाँ जी, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन कम्स आउट ऑफ द फ्लास्क ठीक है। अगर कम बाहर निकल गया कुछ भी तो मासेज इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर अब आप डायग्राम में देख रहे हो, दोनों में ध्यान से देखो जरा डायग्राम। पहले वाले डायग्राम में टोटल मास कितना दिखा रहे हैं बेटा, 100 ग्राम। मशीन पर देखो जरा, 100 ग्राम दिखाया गया, फिर दोनों को मिक्स कर दिया गया सेकेंड डायग्राम में, और थर्ड डायग्राम में अगेन वेट किया गया, एंड दैट अगेन कम्स टू बी 100 ग्राम। आया बेटा समझ, क्लियर हुआ? आगे है, डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज। क्या मास चेंज होगा फ्लास्क का? यस, नहीं होगा। अगर चेंज हो गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। कंटेंट्स का मास वो भी नहीं चेंज होगा। टोटल मास जो हमारे पास यहां पर होगा, हमें इस क्वेश्चन में मासेस इंडिविजुअल दिए नहीं गए हैं, अगर दिए जाते तो हम चेक कर लेते कि कितना मास है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का जो भी मास था वही टोटल मास यहां पर है। यहां पर टोटल मास अगर 100 ग्राम है तो इन दोनों का भी, इस पूरे का प्रोडक्ट का भी टोटल मास 100 ग्राम ही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फॉलो हो रहा है। आई बेटा बात समझ, किस किस को क्लियर हुआ है ये, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, कुछ कुछ बच्चों को, सबको नहीं समझ आया? शुड आई रिपीट अगेन, दोबारा बताऊं? चलिए यस देखो, हमें जब हमने इन दोनों को इंडिविजुअल लिया था, ठीक है, मेरे पास ये फ्लास्क थी, मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन था, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब मैंने ली जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशन था। ठीक है, इस पूरे का मास, इस पूरे का मास कितना था, 100 ग्राम।
अभी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, यहां पे कॉर्क लगा रखे है, यहां पे मैंने अपना कॉर्क फिट कर रखा है ताकि बाहर कुछ भी ना निकल सके, कोई गैस, कोई फ्यूम्स, कोई लिक्विड, कुछ भी बाहर ना सके। ये कॉर्क लगा दिया हमने। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अच्छे से शेक कर दिया, पूरी फ्लास्क को अच्छे से शेक कर दिया, सो दैट ऑल द कंटेंट शुड मिक्स। ये सब मिक्स हो गया, मतलब ये खाली हो जाएगा और ये सब क्या हो गया, मिक्स हो गया। आई बात समझ? अब मिक्सिंग के बाद मैंने फिर से इन दोनों का वेट किया, दोनों का वेट किया, फिर से वो कितना आया, 100 ग्राम आया। आई बात समझ बेटा? मतलब जब हमने मिक्स नहीं किया था तब भी वेट 100 ग्राम था, जब मैंने मिक्स किया कुछ केमिकल रिएक्शन अक्कर हुआ, स्टिल क्या था, मास हमारे पास 100 ग्राम ही था। पहले भी रिएक्टेंट का मास भी 100 ग्राम, प्रोडक्ट का मास भी 100 ग्राम, और यही हमारा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मासेस विल नॉट चेंज। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। अभी क्लियर हुआ बेटा सबको? बताइए जरा, अब मुझे बताइए, हैंड रेज कीजिए, अब किस किस को समझ आ गया? यस, नाइन्थ डी, देख देख के सोच रहे, कोई खड़ा करे तो हैंड्स, हम भी हैंड्स रेज करें, है ना? अभी भी सबको समझ नहीं आया, फिर से बताओ, बताइए बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, पहले जितना था उतना ही बाद में होना चाहिए, ठीक है? आई ट्राई, अगर मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट के लिए हुआ ना सेटअप, तो मैं कल आपको एक चीज शो करूंगी कि कैसे मासेस इक्वल है, ठीक है? ओके बेटा, कोई भी कंटेंट ले लेंगे हम, जरूरी नहीं है केमिकल रिएक्शन ही करना है, हम कोई भी दो चीजें लेकर मास चेक करेंगे, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहे हैं, हाउ विल यू मेक 5% सोल्यूशन? यस, ये आपने टॉपिक किया था कौन से चैप्टर में, सोल्यूशन का किया था, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किया था? हाँ, तो यस करो इस न्यूमेरिकल को, किस किस को आता है ये करना टॉपिक, किस किस को आता है ये? चलिए चल जल्दी से, हाउ विल यू मेक 5% सॉल्यूशन बनाना है, तो मास बाय मास परसेंटेज हमें गिवन है 5%, खुद से ट्राई करोगे एक बार? कौन कौन ट्राई कर सकता है, जस्ट रेज योर हैंड, कुछ स्टूडेंट्स हैं, चलो बेटा करो जरा जल्दी से ट्राई, एक बार करो फिर मैं करवाती हूँ, ठीक है? हाँ जी बेटा, चलिए देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है? या फिर यहां पर हमें 10 ml ऑफ वाटर दे रखा है, मिलीलीटर किसकी यूनिट होती है बेटा? ml इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम लिख लो, चलो वॉल्यूम ऑफ इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। अब मुझे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है बेटा 5, मास ऑफ सोल्यूट आई हैव टू फाइंड, मुझे गिवन नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बोला कि 5% सोल्यूशन लिया गया है 10 ml ऑफ वॉटर में, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो टोटल सोल्यूशन कितना है हमारा 10 ml, क्योंकि नेट क्वांटिटी कितनी बन रही है 10 बन रही है। 10 ml कब बना, जब इसके अंदर 5% ऑफ कोई भी कंपाउंड जो हमने लिया था ना, 5% ऑफ सब्सटेंस ऐड किया गया, तब ये 10 ml सॉल्यूशन रेडी हुआ। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है शुगर एंड वाटर का, तो शुगर और वाटर दोनों मिलाकर 100 ग्राम सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ गया, तो कैंसिल करो इसको, जीरो का इस कैंसल आउट हुई 10 0, 5 upon 10 इज इक्वल्स टू एक्स, इट विल बी एक्स इक्वल्स टू 0.5 ग्राम। समझ आया, मतलब अगर मुझे 10 ml सॉल्यूशन बनाना है, उसके अंदर 5% मेरा सब्सटेंस होना चाहिए, तो मुझे कितनी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चे। चलिए यस मैम। बेटा एक एजर्शन हो गया, बेटा नोट कर लिया सबने ये, चलिए यस मैम। एजर्शन रीजन आइए बेटा। फर्स्ट एजर्शन रीजन हमारा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू इज इट ट्रू? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है आपकी। यस रीजन, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास, दिस इज नोन एज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहली बात तो ए और बी में कोई लिंक ही नहीं है ना, ए और बी आपस में कोई लिंक भी नहीं है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन है और एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका, बी। बी। दोनों ही डेफिनेशंस बिल्कुल करेक्ट हैं बेटा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आइए 31, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। एक तरीके से ये आपका यूनिटरी क्वेश्चन मेथड का क्वेश्चन है, अगर वन बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स है उसके अंदर 8 कैंडीज आती हैं लेटर से, अगर 3 बॉक्स होंगे तो कितनी कैंडीज आ जाएंगी बताओ, 8 × 3 = 24 कैंडीज आ जाएंगी। यही क्वेश्चन आपका सेम, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है, ठीक है। तो जब आपके पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नीड्स कितना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नीड हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 × 8 दैट इज 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, सिंपल यस क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 31। राइट बेटा, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37।
नंबर 37। राइट कर दो ना। थर्टी सेवन बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है? बी वेरी केयरफुल, मैंने किसी से भी कुछ भी पूछ लेना, मैंने क्या समझाया इसमें, राइट? द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वॉज फाउंड टू बी 2.7 ग्राम। दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट में तो कितना दिया गया आपको, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का मास कितना दिया गया है आपको, 2.16 ग्राम, ठीक है? एंड टोटल मास कितना दिया गया आपको इस केस में, 2.7 ग्राम। सेकेंड सिनेरियो क्या कह रहे हैं, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। दूसरे केस में कॉपर हमें कितना मिल रहा है, 0.92 ग्राम, एंड कॉपर ऑक्साइड कितना है, 1.15 ग्राम। ये भी कॉपर ही है बेटा। द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर, ये कॉपर का मास है, और टोटल मास आपका दिया गया है 2.6 ग्राम। ये टोटल मास किसका दिया गया आपको, कॉपर ऑक्साइड का ही दिया गया है, ये भी आपका टोटल मास है, ठीक है? इतना समझ आया आपको? दो तरह के डेटा दे रखे हैं, दोनों में कॉपर का मास और कॉपर ऑक्साइड का मास आपको गिवन है, कॉपर का मास और दोनों केसेस में कॉपर ऑक्साइड का मास। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको, शो दैट दीज डेटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है कि क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमें चेक करना है। फॉर दैट आई विल चेक आउट द परसेंटेज। जैसे अभी क्वेश्चन किया था ना, परसेंटेज हम निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकलती है, कल भी सिखाई थी, द मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। सिमिलरली यहाँ पे भी परसेंटेज हमें निकालनी है, 0.92 अपॉन 1.15 इनटू 100, ठीक है? परसेंटेज ही निकालेंगे ना हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम दोनों की परसेंटेज निकालेंगे। अगर दोनों की परसेंटेजेस इक्वल आ जाती हैं, इट मींस दिस कंडीशन, दीज बोथ कंडीशंस इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कैलकुलेशन कीजिए जरा जल्दी से इसकी, मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, हो गया सॉल्व?
अपना अपना सॉल्व करो, एक दूसरे को मत देखो। बोथ हाँ जी बेटा, कितना कितना आ रहा है? 80%। एट टू 80%, एग्जैक्ट 80% यू विल गेट। यू कैन सी द परसेंटेजेस आर इक्वल इन बोथ द केसेस। पहले केस में क्या किया गया, दोनों कार्बन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया। एक केस में क्या किया गया, कार्बन और ऑक्सीजन को सॉरी कॉपर एंड ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया एंड कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन की गई। दूसरे केस में कॉपर ऑक्साइड को ब्रेक किया गया और कॉपर एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की गई। समझ रहे हो इक्वेशंस? पहले इन दोनों को लिया गया, कंबाइन किया गया, कॉपर ऑक्साइड बना, बनाकर फिर उसको हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, ब्रेक कर दिया इंटू कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर भी क्या थी, कॉपर हमारे जो परसेंटेजेस निकली कितनी कितनी निकली, 80% ऑफ कॉपर, और यहां पर भी कितनी निकली, 80% ऑफ कॉपर, अच्छा सेम आ रही है। तो इट मीन्स दिस इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, राइट बच्चे? चलिए नाउ ये हो गया सबका ना, रब कर दो। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, जिस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एटम्स, ठीक है? अब मुझे सबसे पहले जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड एलिमेंट्स, कौन बताएगा? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट। हाँ, और एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर मिनिमम दोबारा से बोलो। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। वेरी गुड, ठीक है। अब होता क्या बेटा, एटम्स क्या है हमारे, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है? और जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स क्या है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, राइट बेटा? अब समझते हैं इस चीज को। देखो, अगर मैंने बोला आपको ऑक्सीजन एटम, तो आप उसका सिंबल लिखोगे ओ, दिस इज द ऑक्सीजन एटम। मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट बोला तो तब भी तो ओ ही लिखना पड़ेगा। मैंने बोला मैग्नीशियम एटम, तब भी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एलिमेंट बोला तब भी मैग्नीशियम। समझ रहे हो इस चीज को? एटम के लिए भी सिंबल सेम यूज हो रहे हैं और एलिमेंट के लिए भी सिंबल सेम यूज हो रहे हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे? सपोज करो आपके पास शुगर है, आप मार्केट गए, आपने शुगर परचेज की, 1 kg आपने शुगर परचेज की। ये सब क्या है, आपके शुगर के क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे शुगर के दाने होंगे। ये सब क्या है बेटा आपके, इसमें से आपने एक शुगर का दाना बाहर निकाल लिया, एक शुगर का क्रिस्टल बाहर निकाल लिया, वो क्या है आपका, एटम। अब ये सारे शुगर के क्रिस्टल कैसे बने हुए, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये सब एटम्स जब इकट्ठे हुए तो इस पूरे को हमने क्या बोला, एलिमेंट है। ये भी शुगर, एक एटम भी क्या था, शुगर था, पूरा ग्रुप भी क्या है, एक शुगर है। आप अलग से थोड़े बोलोगे उसको कि ग्रुप का कुछ और नाम है या एक क्रिस्टल का कोई और नाम है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप इसको एक एटम मानकर चलो। हमारा ये सारा यूनिवर्स ऐसे ही बना हुआ है, बना एटम से हुआ है, बट ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है, ठीक है बच्चे? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल,
जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो हमारा क्या बना कर देते हैं, एलिमेंट। फॉर्मूला सबका, एटम का फॉर्मूला भी सेम है, लेट अस से आयरन के पार्टिकल्स है तो आयरन, ये सब आयरन एलिमेंट का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, Fe। फॉर्मूले में फर्क नहीं है, सॉरी फॉर्मूला सॉरी सिंबल में फर्क नहीं आएगा, सिंबल विल रिमेन सेम। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्लियर हुआ सबको। यस आ गया, तो ये डिफरेंस है एटम्स एंड एलिमेंट्स में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सिंबल तो हम सेम लिखते हैं, फर्क कहाँ पर है, डिफरेंस कहाँ पे है। दोनों का सिंबल इसलिए सेम है क्योंकि एक शुगर का एक क्रिस्टल है और एलिमेंट पूरी शुगर है। ठीक है चलिए, ये समझ आ गया बेटा, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। नाउ साइज ऑफ एटम, हाउ यू विल फाइंड द साइज ऑफ एटम, ये ना ड्रॉ करके रख लो बेटा, ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। ठीक है, ड्रॉ करके रखो ताकि आगे के लिए याद रहे, फिर भूल जाओगे। ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम, सॉरी ग्रुप ऑफ एटम इज एलिमेंट। मैम द टाइम इज ओवर। हाँ जी बेटा, 5 मिनट्स और लेफ्ट आई थिंक, मेरे पास तो 9:15 दिखा रहे हैं अभी। नो मैम इट्स 9:19। ओके चलो ये कंप्लीट कर लीजिए फिर। ये हो गया बेटा, चलिए कल का बेटा आपका होमवर्क है कुछ, आपने कल क्या याद करना है, एक तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है पूरे सिंबल्स का, ठीक है, सोडियम पोटेशियम सिल्वर गोल्ड मैग्नीशियम सब सारे सिंबल्स बने हुए हैं, आपको सबको वो याद होने चाहिए। और एक फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की वैलेंसीज, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फोर्थ। मैम हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्रैक हो रही है आवाज आपकी काफी ना। शुड आई कंप्लीट, फोर्थ चैप्टर में आपका एक टेबल है जिसमें आपको एटॉमिक नंबर्स मिलेंगे, ऐसे बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे बने हुए हैं, इसके आगे इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। ये आपको फर्स्ट 10 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स ये भी आपको याद करते, ओनली 10 दे रही हूँ अभी। चलिए ओके मैम, ओके देन, बाय एवरीवन। थैंक यू फॉर टीचिंग, ओके बेटा बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच टीचर्स। थैंक यू फॉर टीचिंग। ओके बेटा थैंक्स।